एड टू, एड टू, एड सिक्स, सिक्स तो पॉसिबल ही नहीं है, बस फाइव ही बीट है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? तो जब ऐसे पॉसिबल नहीं रहता है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं बिग फ्रेंड। ओके, तो बिग फ्रेंड क्या है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, तो अब हम ये देखेंगे। फ्रेंड में क्या होता है, टोटल 10 उसमें नंबर्स रहेंगे, ठीक है। बिग फ्रेंड इज़ अ ग्रुप ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है, तो जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है। ओके, 1 का फ्रेंड 9 होगा, 2 का फ्रेंड 8 होगा, 3 का फ्रेंड 7 होगा, 4 का फ्रेंड 6 होगा, 5 का फ्रेंड 5 होगा, 4 का फ्रेंड 6, 7 का फ्रेंड 3, 8 का फ्रेंड 2, 9 का फ्रेंड 1 और 10 का फ्रेंड कुछ भी नहीं बचा, तो 10 का 0। ओके, बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो पेयरिंग है ना, नंबर की जो पेयरिंग है, उनका एडिशन, उनका सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि इसमें कितने एक ग्रुप में टोटल कितने नंबर्स हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 10 नंबर्स, है ना, तो इसीलिए इनका जो एडिशन अगर हम करेंगे तो 10 आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए 1 का फ्रेंड 9 है, क्योंकि 9 + 1 = 10, तो ऐसे ये पूरा टोटल 10 नंबर्स हैं, टोटल ये 10 जो ग्रुप हैं उनके ये बिग फ्रेंड्स है, 1 का 9 एंड सो ऑन। ओके, ऐड 1 करने के लिए, अगर 1 डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है तो ऐड 1 का फॉर्मूला होता है, ऐड 1 इज इक्वल्स टू लेस 9 ऐड 10। ओके, ऐड 1 कर रहे हैं तो उसके ग्रुप को भी ऐड करना है, और जो उसका बिग फ्रेंड रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि लेस करेंगे। ओके, 1 का फ्रेंड क्या होता है, 9 होता है, तो ऐड 1 करने के लिए लेस 9 ऐड 10, ऐड 2 करने के लिए 2 का फ्रेंड क्या है, 8 होता है, राइट, तो ऐड 2 करने के लिए लेस 8 ऐड 10, ऐड 3 करने के लिए लेस 7 ऐड 10, ऐड 4 करने के लिए लेस 6 ऐड 10, ऐड 5 के लिए ऐड 5 इज इक्वल्स टू लेस 5 ऐड 10, ऐड 6 इज इक्वल्स टू लेस 4 ऐड 10, ऐड 7 इज इक्वल्स टू लेस 3 ऐड 10, ऐड 8 इज इक्वल्स टू लेस 2 ऐड 10, ऐड 9 इज इक्वल्स टू लेस 1 ऐड 10। तो ये बिग फ्रेंड के फॉर्मूलेज हैं, सब्ट्रैक्शन में भी सेम करते हैं और डबल डिजिट में भी सेम करते हैं। ये सिंगल डिजिट का था, अगर मुझे ऐड 10 करना है तो ऐड 10 का फॉर्मूला क्या होगा, लेस 90 ऐड 100, ऐड 20 करना है तो ऐड 20 इज इक्वल्स टू लेस 80 ऐड 100, ऐड 30 इज इक्वल्स टू लेस 70 ऐड 100, ऐड 40 इज इक्वल्स टू लेस 60 ऐड 100, ऐड 50 इज इक्वल्स टू लेस 50 ऐड 100, ऐड 60 इज इक्वल्स टू लेस 40 ऐड 100, ऐड 70 इज इक्वल्स टू लेस 30 ऐड 100, ऐड 80 इज इक्वल्स टू लेस 20 ऐड 100, ऐड 90 इज इक्वल्स टू लेस 10 ऐड 100। ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि अगर मुझे लेस 1 करना है और लेस 1 अगर नहीं पॉसिबल है, लेस 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस 1 इज इक्वल्स टू ऐड 9 लेस 10, लेस 2 इज इक्वल्स टू ऐड 8 लेस 10, लेस 3 इज इक्वल्स टू ऐड 7 लेस 10, लेस 4 इज इक्वल्स टू ऐड 6 लेस 10, लेस 5 इज इक्वल्स टू ऐड 5 लेस 10, लेस 6 इज इक्वल्स टू ऐड 4 लेस 10, लेस 7 इज इक्वल्स टू ऐड 3 लेस 10, लेस 8 इज इक्वल्स टू ऐड 2 लेस 10, लेस 9 इज इक्वल्स टू ऐड 1 लेस 10। सेम ऐसे ही टेंस के प्लेस पे होता है और 100 के प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे, सारी प्लेस पे ऐसे ही होता है। अगर मुझे लेस 10 करना है, लेस 10 नहीं पॉसिबल है तो मैं क्या करूँगी, ऐड 90 लेस 100, लेस 50 अगर मुझे करना है तो क्या करेंगे, लेस 50 इज इक्वल्स टू ऐड 50 लेस 100। ओके, अगर मुझे 80 करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, लेस 80 इज इक्वल्स टू ऐड 20 लेस 100। अगर मुझे लेस 10 करना है तो लेस 10 के लिए क्या करेंगे, ऐड 90 लेस 100। ओके, तो अभी हम अबेकस टूल पे देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ऐड टू, अभी ऐड 6 करना है तो ऐड 6 करने के लिए नहीं पॉसिबल है तो क्या यूज़ करेंगे, बिग फ्रेंड। ऐड 6 का बिग फ्रेंड क्या होता है, 4, तो 4 को क्या करेंगे, ऐड 6 करने के लिए 4 लेस ऐड 10, ऐड 2 ऐड 1, ऐड 8, ऐड 8 नहीं है तो 8 का फ्रेंड क्या होता है, 2 लेस 2 ऐड 10, ऐड 5 ऐड 1, ऐड 5 करने के लिए लेस 5 ऐड
टेन। जैसे ही हम यूनिट में करते हैं वैसे ही हम टेंस में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे इसमें ऐड करना है 80 को, ऐड 80 करने के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल है ऐड 80 करने के लिए, तो क्या करेंगे, बिग फ्रेंड यूज़ करेंगे। ऐड 80 का बिग फ्रेंड क्या करेंगे ऐड 80 करने के लिए, लेस 20 ऐड 100। अभी मुझे इसमें वापस से करना है 90 को ऐड करना है, 90 को ऐड कैसे करेंगे, 90 को ऐड करने के लिए लेस 10 ऐड 100। ओके ऐड 40 लेस 30 ऐड 5 लेस 6 ऐड 9, 9 इसमें मुझे ऐड करना है कर, तो 9 ऐड करने के लिए क्या करेंगे, लेस 1 ऐड 10 ऐड 3 ऐड 7, ऐड 7 कैसे करेंगे, लेस 3 ऐड 10 ऐड 70, 70 को ऐड कैसे करेंगे, लेस 30 ऐड 100। जैसे ही 10 का ग्रुप होता है वैसे ही 100 का भी ग्रुप होता है, ठीक है। तो 30 का फ्रेंड 70 होगा, 40 का फ्रेंड 60 होगा, 60 का फ्रेंड 40 होगा, 70 का फ्रेंड 30 होगा, 50 का फ्रेंड 50 होगा, 100 का कुछ नहीं रहेगा 0, और 10 का भी कुछ नहीं रहेगा 0, ठीक है। 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, 4 का 6, 6 का 4, 9 का 1, ओके। ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, वही फ्रेंड हम अप्लाई करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने एडिशन बताया। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, ये कितना है 300 है, तो अगर 300 है, 300 के प्लेस पे ये 0 वाला टेंस वाला खाली है और यूनिट वाला भी खाली है, यानी कि 0 0 है, ठीक है। तो ये 300 है, अगर ये 300 में से मुझे लेस करना है 80 को, तो 80 को लेस कैसे करेंगे, 80 का फ्रेंड क्या होता है 20, तो 80 को लेस करने के लिए क्या करेंगे, ऐड 20 लेस 100, ओके। अभी मुझे लेस करना है इसमें 7 को, 7 को लेस कैसे करेंगे, 7 का फ्रेंड क्या होता है 3, ऐड 3 लेस 10, ओके। ऐड 5, अगेन ऐड 5 लेस 5 ऐड 10 लेस 2 ऐड 9, ऐड 9 करने के लिए क्या करेंगे, लेस 1 ऐड 10, ओके। अभी मुझे इसमें लेस करना है 6 को, 6 को लेस करने के लिए क्या करेंगे, 6 का फ्रेंड क्या होता है 4, तो ऐड 4 लेस 10, ओके। तो ऐसे ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं अबेकस टूल पे, और माइंड में भी ऐसे ही करते हैं। ये बिग फ्रेंड का एडिशन और सब्ट्रैक्शन था कि अगर बिग फ्रेंड अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है तो बिग फ्रेंड से हम कैसे कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये कुछ सम्स थे जो हम अगर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है तो उस सम को हम बिग फ्रेंड से यूज़ करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम बिग फ्रेंड का एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा के हम उस सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बिग फ्रेंड से भी पॉसिबल नहीं होता है तो उसमें हम स्मॉल फ्रेंड लगाते हैं, स्मॉल फ्रेंड से नहीं पॉसिबल होता है तो कज़न फ्रेंड लगाते हैं। तो ऐसे ये 4 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, बिग फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड और कज़न फ्रेंड, ठीक है। तो ये 4 मेथड लगा के हम कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी सम्स हम अबेकस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना है अबेकस पे 224, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कि अगर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है तो हम बिग फ्रेंड से हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं।